गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शब्द का एक और अभ्यास। इस शब्द अभ्यास में हमें करना क्या है, दो प्रकार के शब्दों को जो मुख्य शब्द हैं उनसे मिलाना है। अब वे दो प्रकार के शब्द कौन से हैं? वे दो प्रकार के शब्द हैं समान अर्थ वाले शब्द और विपरीत अर्थ वाले शब्द। आपको हमने समानार्थी शब्द बताए हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों वो समान अर्थ वाले कहलाते हैं समानार्थी, और ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ बताते हों वो विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं या विलोम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा दिन, अभी तो दिन है यानी कि दिन हो गया दिवस, आज दिवस है, अभी दिन है, दिवस है, और फिर हो जाएगा उसका उल्टा रात। फिर हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, अच्छा यानी बढ़िया, तो अच्छा और बढ़िया एक जैसे शब्द है तो उनको हम समानार्थी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा बुरा, तो वो क्या हो गया विलोम। तो एक शब्द होता है जो उसकी सेम मीनिंग यानी समान अर्थ को बता रहा है तो वो समानार्थी, और जो उल्टे अर्थ को बताता है वो होता है विपरीतार्थी। तो यहाँ पर हमने इस अभ्यास के दौरान आपको समानार्थी और विपरीतार्थी दोनों ही शब्दों के बारे में अभ्यास करने के लिए कहा गया। तो चलिए प्रश्न पढ़ के देख लेते हैं। दिए गए शब्दों का मिलान, यहाँ पर ये शब्द प्रमुख है, कौन से शब्द प्रमुख है? ये शब्द प्रमुख है, दिए गए शब्दों का मिलान, इन शब्दों का मिलान करना है हमें, किससे? उनके समान अर्थ वाले यानी कि समानार्थी शब्द से, और उनके उल्टे अर्थ वाले यानी कि उनके विपरीतार्थी शब्द से। तो सेम मीनिंग भी ढूंढना है और विपरीत वाले यानी अपोजिट भी ढूंढना है, दोनों ही ढूंढना है, शब्द एक है। तो पहला शब्द दिया है काम, तो काम का समानार्थी क्या होता है? निकट, हो सकता है? नहीं। काम कार्य, उसने अपना काम कर लिया, उसने अपना कार्य कर लिया, एक है, हाँ। तो ये दोनों का मिला देंगे, काम का हो गया कार्य। अब काम तो कर लिया, उसका विलोम ढूंढो, अंधेरा होगा काम का? नहीं, आराम होगा, काम कर लिया अब आराम करो, तो ये उसका विलोम हो गया काम, उसका विलोम हो गया आराम। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं पास, पास का समानार्थी सेम मीनिंग निकट, वो मेरे पास है, वो मेरे निकट है, सही है, निकट मतलब पास, करीब, तो हम यहाँ निकट के क्या ले सकते हैं समानार्थी, पास, सही है। विलोम ढूंढते हैं, अंधेरा होगा? नहीं। बदबू होगा? नहीं। शाम होगा? नहीं। दूर होगा? पास का दूर, यस, तो यहाँ पर पास का दूर होगा दूर। एक शब्द का समानार्थी उस तरफ है यानी कि लेफ्ट साइड, और राइट साइड में उसका विपरीतार्थी है। अब बढ़ते हैं अगला उजाला, उजाला क्या होता है? महक, रोशनी, महक तो होती नहीं, रोशनी हो सकते हैं उजाला, हाँ, क्योंकि रोशनी होगी कि सूरज आया, उजाला आ गया, मिला गया, अब उसका विलोम ढूंढते हैं अंधेरा, अंधेरा होगा, बिल्कुल उजाला का विलोम होगा अंधेरा, हमने इसको मिला दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जहाँ समानार्थी आया विपरीतार्थी भी उसके सामने आए, नहीं। अब आ रहा अगला शब्द सुबह, सुबह का विलोम क्या हो सकता है? महक या सवेरा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा, तो सुबह का क्या होगा? सवेरा, मिला दिया हमने। अब विपरीत ढूंढो, विपरीत हमारे पास क्या बचा? बदबू और शाम। सुबह का विलोम क्या होगा? बदबू तो होगा नहीं, तो क्या होगा? शाम, ये सामने ही लिखा हुआ है। अब अंतिम शब्द है खुशबू, खुशबू का समानार्थी क्या होगा? क्या बच्चा हमारे पास? महक, खुशबू और महक एक है, हाँ, तो हम यहाँ बोल सकते हैं खुशबू का समानार्थी महक, और उसका विलोम क्या हो गया? एक ही शब्द बचा, बदबू, यानी कि बुरी बदबू। तो इस प्रकार हमने देखा काम, काम का समानार्थी हुआ कार्य, विपरीतार्थी हुआ आराम, पास का समानार्थी हुआ निकट और उसका विपरीत हुआ दूर, उजाला का समानार्थी हुआ रोशनी और उसका विपरीत हुआ अंधेरा, फिर सुबह का समानार्थी हुआ सवेरा और विपरीत हुआ शाम, खुशबू उसका समानार्थी हुआ महक और उसका विलोम हुआ बदबू। तो इस प्रकार से हमने यहाँ काम, पास, उजाला, सुबह और खुशबू, इन पांच शब्दों के समानार्थी और विपरीतार्थी यानी कि समान अर्थ वाले और उल्टे अर्थ वाले दोनों ही शब्दों को जाना। तो ये जो कुछ शब्द है, हमने आपको पर्यायवाची शब्दों की सूची पहले भी भेजी है, विलोम शब्द के अभ्यास हमने करा दिए हैं, तो अब आपको उन समानार्थी शब्दों को, उन विलोम शब्दों को इस प्रकार याद करके रखना है कि अगर हम ऐसे प्रश्न बनाकर आपको दें तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको एक ही शब्द का विलोम और समानार्थी का अध्ययन करना है, और अगर इस प्रकार के अभ्यास आए तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दुविधा के उन प्रश्नों का हल कर पाएं।
यही हम चाह रहे हैं। तो इन अभ्यास को करने की कोशिश कीजिए, स्टडी करते रहिए, मॉड्यूल देखते रहिए और अपनी कॉपी में इन अभ्यास को लिख लीजिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्टडी कर रहे हो और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, हम आपसे मिलते रहेंगे आगे के मॉड्यूल्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।